अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। उतरो, तुम उतरो, बैग छोड़ दो, तुम उतरो, पापा आ रहे हैं। जाओ छोड़ दो, तो यहाँ टिकाओ, इधर दो मुझे, जाओ तुम उतरो नीचे। और सुबह की रूटीन ये बच्चों के साथ वैसे ऐसी हबड़ दबड़ में होता है। सुबह का टाइम बड़ा जल्दी 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 सब चीज़ें करनी होती है, टाइम पर बच्चों को भेजना, तो ये बस सुबह की है। बच्चे जब स्कूल जा रहे थे ये उस वक्त की है। उसके बाद जो है फिर अपने सारे दिन का आगाज़ जो भी काम वगैरह है मैंने पूरे दिन की रूटीन शेयर की आ है, रहे पापा जाओ, तो खजिया वो कभी इस पीछे से वीडियो आती में वो कर आपको देना। मिलेगा। बॉटल ले ली पानी की, खजिया और ले ली। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, चलो जाओ उसका अल्लाह हाफिज, रीज़न है कि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक बैग नहीं लेके है जाना। और लाइट आजकल रोज़ चली आती है और हाँ सारा दिन के लिए, तो मुझे बहुत मसला हो रहा है। वीडियो ज़ाहिर नहीं बन पा रही क्योंकि मोबाइल भी हम तो चार्ज नहीं अभी होता बहुत है और काम फिर में लाइट है, भी नहीं होती हम है, भी तो बहुत सारे चक्कर आए काम हैं ऐसे ही अभी। रह जाते हैं, तो मैं क्या वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए आजकल मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रोज़ आपको वीडियो मिले। और ये तो हमारा पुराना पसंदीदा मेरा मंज़र है, ये यहाँ का पार्क जो मैं दिखाती हूँ काफ़ी सही हो गया है अब तो। और जैसे ही मैंने कपड़े डाले मशीन में, सर्फ डाला और लाइट चली गई फ़ौरन। और ये देखें हस्बैंड सो रहे हैं, आदमियों के तो मज़े होते हैं, छुट्टी तो होती है इनकी कोई। और ये हो गया दिन का आगाज़, झाड़ू आ गई हाथ में, बस अब ये अपने काम शुरू हमारे तो। और लाइट तो चली गई, थोड़ी देर वेट कर रही थी मैं कि अगर लाइट आ जाती है तो मैं कपड़े धोऊंगी, तो जब तक मैंने अपने घर के काम सफाई वगैरह कर ली थी, लेकिन लाइट नहीं आई। पूरा दिन हो गया, रात हो गई थी लेकिन लाइट नहीं आई थी, तो इसलिए ये दूसरे दिन मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और लाइट पूरा दिन के लिए चली गई थी तो मैं नहीं कर सकी, जहाँ तक मैंने वीडियो बनाई तो वो ही मैं आज अपलोड कर रही हूँ। और मरी में जो सानिया हुआ है उसका बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो सैर तफरी की गर्ज़ से गए थे और वो बेचारे, इनको क्या पता था कि वो वापस ही आएंगे। काफ़ी लोग मर गए हैं वहाँ, बहुत ही दुख हुआ है। काश कि मेरा घर होता अगर करीब में, तो शायद मेरा ज़रूर मदद करती किसी की, अगर कर सकती जो भी मुझसे होता तो मैं ज़रूर करती। और अभी फिर क्या हुआ कि ये दोपहर का हो गया टाइम, मतलब थोड़ा काम वाम किया तो मुझे भूख लगने लगी थी, तो ये बिरयानी थी रात की, तो जहाँ हम शादी में गए थे वहाँ से हम लोग लेकर आए थे। मटन बिरयानी थी, बहुत टेस्टी थी, तो मैंने ये थोड़ा सा गुजारा किया अपना। मुझे भूख लग रही थी बहुत, और क्योंकि गैस उस वक्त आ ही नहीं रही थी तो मैंने ये खा ली थी। और उसके बाद अभी मैं बनाऊंगी तुरई, और वो भी आपको भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल जो है अभी बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चले मैं यही खा कर गुजारा कर लेती हूँ। अभी बच्चे भी अभी स्कूल से तो नहीं आए थे तो मैंने ये खाई, और उसके बाद जो है मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई थी, कि चाय तो आपको पता है कि मेरी कंपलसरी है। और वैसे ही आजकल गला थोड़ा सा ख़राब है मेरा, तो मुझे तो चाय बहुत ही अच्छी लग रही है। चाय पी थी मैंने उसके बाद चावल पे, और फिर मैंने किया काम, तो किचन में अंधेरा बहुत हो रहा था तो वीडियो नहीं बना सकी, तो मैंने तुरई की भुजिया और ये बनाया था, खीरा काटा था। और ये जो मैं शादी में गई थी वहाँ की वीडियो है, आगे मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोग जो रियल आवाज़ है ना वो सुने और इन्जॉय करें।